हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे से एकदम भले चंगे होंगे। तो आज दिन है बुधवार का और बुधवार की हो रही है शाम का टाइम होने वाला है। अभी दोपहर का टाइम है और देखिए हमारे यहाँ क्या काम हो रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे मिलते हैं, वीडियो को एंजॉय करिएगा। तो ये नीचे वाला पोर्शन है जो कोठरी वाला है, देख सकते हैं आप किस तरह का है और काफ़ी फैलावा फैला है। अभी काफ़ी सिमट भी गया है, मजदूर और मिस्त्री लोगों ने मिल करके काफ़ी सफाई की है यहाँ की। और जितना भी कबाड़ निकल रहा है बाबा के टाइम का और भी पुराना, बस वो भी सब निकाल करके बाहर कर रहे हैं। जो भी कबाड़ी वाला आएगा उठवा के दे देंगे। और यहाँ पे कूलर रखा है पुराना, जो कि अब बन नहीं सकता है, काफ़ी पुराना है बाबा के टाइम का। तो देखते हैं क्या करना है। लेबर कह रहा था मैं ले जाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है ले जाओ। वो कह रहा था मैं बनवा लूंगा, तो मैंने कहा ले जाओ। सिम्फनी का है शायद। और मैं अभी अंदर दिखाती हूँ, ये अंदर की कोठरी है भगवान की जो दादी की थी। इसको तोड़ दो, हटा दो इसको। ये पानी की वजह से हुआ है, ये बंदे था दादी का। अंदर होल्डर भी होगा फिर इसके अंदर। हाँ होल्डर भी होगा, लाइट नहीं करती ना। होल्डर है, ये देखो साइड से पाइप गया ना। बेटा ऊंची नहीं है ना दीवार, तो होल पास कैसे होंगे। ये दादी का मंदिर, ये देखो तार निकलने वाले, वहां होल्डर लटका दिया जाता होगा। ये मंदिर है जी ने ऐसे पहले ऐसे ही बनते थे ना मंदिर मंदिर। ये साइकिल बाबा की है, ये लोगों से लिफ्टिंग होती है। हाँ बड़ी है ये, तो बढ़िया है। चलो इसको ऊपर पहुंचवा दें। हाँ पहुंचवा दीजिएगा पंडित जी को, ऊपर पहुंचा दे। तो अकेले नहीं वाला है, हैं तुले वाला, तुले वाला है। हाँ देवी अभी ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही तुलवा लेगा। जो कमजोर होगा वो सही कर देगा। वो कमजोर कुछ नहीं होगा। अच्छा पानी पड़ने की वजह से देखिए छत बिल्कुल खराब हो चुकी है। ऐसे ही पूरे घर की छतें खराब हो गई हैं, तो हर जगह मुझे रिपेयर कराना पड़ा है। तो देख सकते हैं आप कितना पानी मर रहा था पूरे मकान में। ये देखिए तो बस छुड़वा के दूसरी प्लास्टर बन जाएगा अच्छे से। उधर चेक कर लो। हाँ उधर आप हट जाओ, नहीं तो पता चले। निकल ये गड्ढा कैसे बेटा, इसी की चला। हाँ ये आज पूरे एक महीने हो गए हैं इस काम को लगे हुए। रिपेयरिंग का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और दिन पे दिन कुछ ना कुछ निकल ही आ रहा है। डेली सोचते हैं दो दिन का काम, दो दिन का काम, लेकिन चलता जा रहा है। देखते कि पूरी अलमारियाँ खराब हो गई थी तो मिस्त्री जी ने बना दी है जो भी बनने वाली थी, बाकी जो तोड़ने वाली थी वो तोड़ दी है। तो अब ये जा कर के अच्छे से मजबूत हो गया है, कहीं भी कोई भी वीक नहीं है। दीवार है, फर्श है, जो भी है सब रिपेयर। तो यहाँ पे देखिए सब टूट चुका है, अब यहाँ पे रिपेयरिंग का काम शुरू होने वाला है। जितनी भी अलमारियाँ थी वो रिपेयर हो चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
फेसबुक पेज को फॉलो कर लिए। मेरा पेज फेसबुक पेज लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो प्लीज़ फॉलो मी एंड मुझे रील्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। चलिए निकाल लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक